हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन है वहां? कौन है यहां पर? सामने क्यों नहीं आते? बस बहुत हो गया, बंद करो ये खेल, बंद करो ये खेल। सो भी तो नहीं सकती, अगर सो गई शायद फिर कभी नींद से उठ ही ना पाऊं। जूही, श्रुति, तुमसे कितनी बार कहा कि दरवाजा खटखटा के अंदर आया करो। ओ हेलो मैडम, ये गर्ल्स हॉस्टल है, किसी ऑफिस की बॉस का केबिन नहीं है। तुम नहीं समझोगी। जूही, क्या हुआ तुम्हें? इतनी चिड़चिड़ी और उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही हो? जो इंसान चार दिन से सोया नहीं हो ना, उसका बर्ताव ऐसे ही होगा ना। सोती क्यों नहीं? मैंने कहा था ना तुमसे, वो सिर्फ और सिर्फ सपने हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। श्रुति, सिर्फ सपना नहीं है वो, जो मेरे ऊपर बीत रही है वो तेरे ऊपर बीत रही होती तब तुझे मेरी तकलीफ पता चलती। मैं तेरी तकलीफ समझ रही हूँ जूही, लेकिन तू मेरी बात नहीं समझ रही है। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, चल अच्छा अब थोड़ी देर आराम कर, चल। श्रुति, अब तो गहरी नींद में सो जा, मेरी बात मान जूही, सो जा थोड़ी देर। मैं नहीं सोऊंगी श्रुति। सो जा जूही, तुझे मुझ पर भरोसा है कि नहीं? है ना? तू अभी आराम से सो जा, मैं तेरे कमरे के बाहर ही हूँ। वो सपने फिर आएंगे श्रुति। नहीं आएंगे। गुड नाइट। साल भर पढ़ाई करते तो आज नौबत तो ना आती। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कुछ भी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं तो श्रुति से ना, श्रुति पता है मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे तेरे नोट्स देना यार, वरना पता नहीं एग्जाम्स में क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मेरे भी नोट्स अधूरे हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि कल लाइब्रेरी जाके इकट्ठा नोट्स बना लेते हैं। तुम दोनों टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे गर्ल्स, क्या हो रहा है? एग्जाम शुरू होने वाले हैं। चलो सब अपने अपने कमरे में जाओ और जाकर पढ़ाई करो, बहुत रात हो गई है। यस मैडम। Thank you.
आशिया क्या पता चला? सर मरने वाली का नाम जूही है, वैसे भोपाल से है मगर यहाँ MBA की पढ़ाई के लिए आई थी। सर लगता है जब वो सो रही थी उस वक्त किसी ने चाकू मार के उसका खून कर दिया। जूही का कमरा कहाँ है? सर ऊपर। सर एक और बात, जब उसका खून हुआ उस वक्त उसके कमरे में और कोई भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है आशिया, कोई ना कोई तो होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है सर, इस तरह की मौतों में कई बार आत्माओं का हाथ होता है। प्लीज, DCP सर मुझे पहले ही बता चुके हैं आपकी इन कहानियों के बारे में, बेहतर होगा कि इन मर्डर केसेस के साथ ये आत्माओं की कहानियां ना जोड़ें। प्लीज, समझ गए? यही कमरा है? यस सर। आइए। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, श्रेया यहाँ पे राखू का सिर्फ एक ही घाव है, लगता है खूनी ने इतनी जोर से वार किया कि एक ही वार में जूही की मौत हो गई। हाँ सर, हमला भी शायद जूही की नींद में ही हुआ, बेचारी को अपने आप को बचाने का मौका भी नहीं मिला होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सबसे पहले जूही की मौत का पता किसको चला? सर सबको एक साथ ही पता चला था, हम यहाँ कॉरिडोर में थे, अचानक से जूही के कमरे से चीखने की आवाज आई और अंदर आके देखा तो जूही की जान जा चुकी थी। उस समय कमरे में जूही के साथ और कौन था? सर उस वक्त जूही के साथ कोई नहीं था। देखिए आप लोग दोबारा याद करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कोई हो, कोई ऐसा जो उस वक्त भाग निकला हो। सर भागने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डोर बाहर से बंद था और वो अंदर से, खूनी भागेगा भी तो कहां से भागेगा? एक मिनट, ये दरवाजा बाहर से बंद था क्यों? सर कई दिनों से जूही सो नहीं पा रही थी, अचानक नींद से जाग जाती थी और भागकर अपने कमरे से बाहर आ जाती थी, आज भी कुछ ऐसे ही हुआ, वो सो नहीं पा रही थी, मैंने उसको सुलाया और मैं बाहर आ गई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। लेकिन इसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? सर कई दिनों से उसे डरावने सपने आ रहे थे, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका सपनों में कोई खून करना चाह रहा है, उसकी कोई जान लेना चाह रहा है, हमें क्या पता था कि उसका सच में खून हो जाएगा। डरावने सपने? मैं कह रहा था ना ये कोई आत्मा का ही चक्कर है। आपको कितनी बार बताया है कि आत्माओं की बातें सबके सामने मत किया करिए, वो लोग क्या सोचेंगे CID के बारे में। सॉरी। अच्छा आप अभी कह रही थी कि जूही को डरावने सपने आते थे, कभी उसने आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया कि उसे किस चीज के सपने आते हैं, कुछ भी? सर उस ड्रॉर में जूही का स्केचबुक है। उस ड्रॉर में? जी सर। स्केचबुक? ये बुक? जी सर। ये चाकू? सर ये वो ही चाकू है जिसे लेकर कोई उसका पीछा करता था सपनों में उसे मारने के लिए। ये देखो, ये चाकू बिल्कुल ऐसा ही है जिससे जूही का कत्ल हुआ। हाँ सर। ये सारी ड्राइंग्स जो हैं इस बुक में, ये क्या जूही अपने सपने में देखती थी? जी सर। सर लगता है ये किसी अंदर वाले का ही काम है जो कमरे के अंदर आसानी से आ सकता हो और जिसे जूही के सपनों के बारे में पता हो। क्या तुम्हारे अलावा और कोई ये स्केचबुक के बारे में जानता था? कोई नहीं। खूनी अगर इस दरवाजे से अंदर नहीं आया तो फिर इस कमरे में आया कहां से? इस बालकनी से। लेकिन बालकनी का दरवाजा तो अंदर से बंद है, अगर खूनी खून करके बालकनी से भागा है तो फिर ये दरवाजा अंदर से बंद कैसे? बालकनी का दरवाजा बंद, कमरे का भी दरवाजा बंद, कहीं जूही की आग। ये खूनी आप आया कहां से ये अभी पता चल जाएगा। ये देखो जूते के निशान, हो ना हो खूनी इसी बालकनी से चढ़कर आया। लेकिन बालकनी का दरवाजा तो अंदर से बंद था, तो फिर खूनी यहाँ ऊपर चढ़ के कमरे के अंदर आया कैसे होगा? ये भी पता चल जाएगा फेडी जी, बस एक बार जूही के मौत के कारण पता चल जाए, कुछ तो होगा, कोई सबूत कुछ तो होगा। इधर देखो,
ये पाइप इसी वाटर पाइप से चढ़कर खूनी इस बालकनी तक आया है। यहाँ के वॉचमैन से मिलना पड़ेगा। माफ कर दिए साहब, गलती हो गई। इसे गलती कहते हो तुम? एक इंसान गर्ल्स हॉस्टल की बालकनी में चढ़ जाता, अंदर कमरे में जाके खून कर देता और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। बस साहब, 15 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि उस दौरान ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारी 15 मिनट की लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान चली गई, उसकी जिंदगी लौटा सकते हो तुम? सर, ये जूता यहाँ झाड़ियों में पड़ा हुआ था। जूता यहाँ पे? हो ना हो, ये जूता उसी खूनी का है। सर, ये तो किसी आदमी का जूता लगता है। यानी बालकनी में जो इंसान चढ़ा था वो कोई आदमी था? सुनो, ये जूते को पहचानते हो? नहीं साहब। दोबारा याद करके बताओ, सही से याद करो, कोई इंसान यहाँ आया था जिसने ये लाल जूता पहना था? मैंने नहीं देखा, शायद अंजलि मैडम ने देखा हो, वो हमेशा रिसेप्शन पे बैठती है। ये अंजलि मैडम को बुलाओ, जाओ। जी सर। अगर ये जूता यहाँ है तो कुछ और भी जरूर होगा, ढूंढते हैं। इस तरफ, ये जूतों के निशान। एक जूते का निशान थोड़ा गाढ़ा है और दूसरे का हल्का। ये वाला गाढ़ा है। इसका तो एक ही मतलब है, ये जूता जिसका भी है वो इंसान लंगड़ा के चल रहा था। तो लंगड़ा के इसलिए चल रहा था क्योंकि जब वहां बैल्कनी से वो नीचे आया उसे चोट लग गई, फिर वो यहाँ से भागा और यहाँ पे जूता रह गया। हाँ साहब, मैं ही अंजलि हूँ, आपने मुझे बुलाया। जी अंजलि जी, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जी अंजलि जी, आपने इस लाल जूते को देखा? मेरा कहने का मतलब है, किसी इंसान को इसको पहनकर यहाँ आते हुए देखा लंगड़ाते हुए? हाँ साहब, मैंने देखा था, मनीष लंगड़ाते हुए जा रहा था। मनीष? ये मनीष कौन है? जूही का दोस्त है। अंजलि जी, जब वो यहाँ आया, ये गर्ल्स हॉस्टल है राइट, आपने उसको रोका नहीं? मैंने उसे रोका पर वो रुका ही नहीं। और क्या? मनीष अक्सर जूही से मिलने हॉस्टल आया करता था, पर कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी। किस बात को लेकर अनबन चल रही थी? मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं। कोई बात नहीं, अब तो इस बारे में हम मनीष से ही पूछ लेंगे। मनीष कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ, पर आप लोग कौन है? तुम्हारे शुभचिंतक हैं, सीआईडी वाले। सीआईडी? क्या बात है, क्या मेरी जान को किसी से खतरा है क्या? सुना आपने, खुद एक बेचारी लड़की को मार के खटिया पे लेटा पड़ा है और पूछ रहा है कि मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है? ये क्या कह रहे हैं आप, मैंने किसी की जान नहीं ली। मनीष, ये पाँव में चोट कैसे लगी तुम्हें? वो मैं सड़क पार कर रहा था तो एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी मुझे। सड़क पार कर रहा था बेचारा, टक्कर मार दी। वैसे ये हादसा हुआ कहाँ? MI रोड पे, GPO के सामने। GPO के सामने, तभी तो। वैसे अगर ऐसा था तो ये लाल रंग का जूता जो तुम्हारा है, हमें पता है, GPO के सामने मिलना चाहिए था। पर कमाल की बात देखो, ये जूता हमें सुनिमा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मिला। कैसे? मेरा जूता वहां कैसे पहुंचा? देखो मनीष, हमसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। सच निकालने के और कई तरीके आते हैं, बेहतर होगा हमें सब सच बता दो। वो मारा तुमने जूही को? क्या, जूही की मौत हो गई? खून हो गया उसका, क्यों गए थे तुम वहां? देखिए, मैं जूही के बालकनी में गया जरूर था, लेकिन मैंने जूही को नहीं मारा। इतनी रात को तुम वहां क्या करने गए थे मनीष? मुझे उससे बात करनी थी। ओ, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम दिन के उजाले में नहीं कर सकते थे, जिसके लिए तुम्हें रात के अंधेरे का सहारा उठाकर चोरों की तरह पाइप से चढ़कर उसकी बालकनी तक जाना पड़ा? मैं उससे माफी मांगना चाहता था। दरअसल मैंने उसकी दोस्ती को प्यार समझने की गलती की थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि
शर्म आनी चाहिए तुम्हें मनीष, उसकी मदद करने के बजाय तुम वहां से भाग गए, यही है तुम्हारा प्यार? अगर किसी ने वहां मुझे देख लिया होता तो इल्जाम तो मुझे पर आता ना। देख तो तुम्हें लिया ही था अंजलि जी ने, तुम्हें रोकने की कोशिश भी की पर तुम रुके नहीं। ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि जब तुम वहां थे तो उस वक्त कमरे में और कौन था? मैंने वहां किसी को नहीं देखा। हेलो, क्या एक और कौन? कहां पे? आप कौन? हम लोग सीआईडी से। आइए। आप कल की जी है ना? जी सर, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरी सहेली मीरा का खून हो गया है, उसकी लाश ऊपर उस कमरे में पड़ी है। ये चाकू तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा चूही की मौत में यूज हुआ था। हाँ सर, लगता है किसी सीरियल किलर का काम। सीरियल किलर का भी हो सकता है और किसी ऐसे इंसान का भी जो दोनों जूही और मीरा को जानता है। वो यहाँ आया और उसने मीरा की जान भी इसकी नींद में ले ली। मतलब दो दो खून हूबहू एक ही तरीके से। सर हाँ, लाश की हालत को देखकर लगता है कि इसकी मौत को 3-4 घंटे हो चुके हैं। 3-4 घंटे? लेकिन श्रेया, चूही की मौत को भी तो 3-4 घंटे ही हुए हैं। एक खूनी एक ही वक्त पे दो दो जगह पे कैसे हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ जरूर ये किसी आत्मा का ही चक्कर है। रेडी प्लीज, ये किसी आत्मा का चक्कर नहीं है, ये उस खूनी के किसी साथी या रिश्तेदार का चक्कर भी हो सकता है। लगता है इस जुर्म में एक से ज्यादा लोग शामिल है, लेकिन कैसे? कैसे हो सकता है? इस कमरे की सारी खिड़कियां सारे दरवाजे अंदर से बंद है और यहाँ पे कोई बालकनी भी नहीं है उस हॉस्टल की तरफ। तो फिर वो खूनी इस कमरे में आया कैसे? इस कमरे की तलाशी लो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। श्रेया, इसकी फोटो एल्बम और फोन डायरीज चेक करो, हो सकता है जूही और मीरा के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाए हमें। सर रेडी, एम्बुलेंस को फोन करो बॉडी ले जाने के लिए। मुझे नीचे इसकी दोस्त से कुछ सवाल पूछ रहे। कल्की जी, जी आपको मीरा की मौत के बारे में कब पता चला? रात को मैं काफी देर से ऑफिस से लौटी तो मैं इस कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी मुझे मीरा के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई उसके दरवाजे तक आई, मीरा का दरवाजा खटखटाया पर फिर क्या हुआ? मेरा मतलब जब आप यहाँ आई तो ये दरवाजा खुला था कि बंद था? दरवाजा बंद था तो मुझे वॉचमैन को बुला के दरवाजा खुलवाना पड़ा। कल्की जी, जब आप यहाँ पे आई तो आपको यहाँ इस घर में कोई भी निकलते हुए यहाँ से दिखा, भागते हुए दिखा? नहीं। कल्की जी, आपकी दोस्त मीरा काम क्या करती? बैंक की एरिया मैनेजर थी वो, और 2 साल पहले उसका तबादला हमारे शहर में हुआ था। तबादला? आश्रया, क्या पता चला? सर, मरने वाली का नाम जूही है, वैसे भोपाल से है मगर यहाँ MBA की पढ़ाई के लिए आई थी। क्या ये तबादला भोपाल से यहाँ हुआ? जोधपुर से। पर क्यों सर? आपकी दोस्त मीरा किसी जूही नाम की लड़की को जानती थी? जहाँ तक मुझे पता है सर, इस नाम की तो उसकी कोई दोस्त नहीं थी। दोस्त नहीं तो कोई रिश्तेदार, क्योंकि कुछ घंटे पहले एक 21 साल की लड़की का बिल्कुल इसी तरीके से खून हुआ। उस लड़की का नाम जूही था और वो ये उसकी तस्वीर है। क्या आप जानती हैं इसे? नहीं। आप जानती? ये क्या हो रहा है हमारे शहर में? आम आदमी तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कल्की जी, आपको किसी पे शक है? आपकी दोस्त मीरा की किसी से कोई दुश्मनी, कोई अनबन? उसका कोई दुश्मन नहीं था सर, मीरा तो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। अच्छा, ये तस्वीर देखिए, इस आदमी का नाम मनीष है, क्या आप इसे जानती हैं? नहीं सर। सर आशा,
मैंने मीरा के सारी डायरी, सारे एल्बम्स चेक किए। मीरा और जूही के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, वरना ये खूनी सिर्फ इन्हीं दोनों लड़कियों को निशाना क्यों बनाएगा? कुछ तो है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। कल्कि जी, क्या कुछ दिनों से मीरा किसी बात को लेकर परेशान थी? हाँ सर, कुछ दिनों से उसे डरावने सपने आ रहे थे। डरावने सपने? मीरा को भी डरावने सपने आ रहे थे? हाँ सर, बस कहती रहती थी कि उसका कोई खून करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है सर? जूही और मीरा को ठीक एक तरीके के सपने कैसे आ सकते हैं? सर, खूनी के अंदर आने का रास्ता तो नहीं मिला है, लेकिन ये स्क्रू मिला है मीरा के बेड के नीचे से। एक काम करिए, वॉचमैन से पूछताछ कीजिए, देखिए क्या पता चलता है मीरा के बारे में। तब तक इस स्क्रू की गुत्थी को करण, रेडी को ये स्क्रू कहां मिला था? सर वहां उधर। इधर ये स्क्रू हाँ आया कैसे होगा? हाँ ले आओ, संभाल के। इश्ता शेर संभाल के। इश्ता ये बात है क्या हुआ सर? ये देख रही हूँ सीलिंग फैन, अब ये सीलिंग फैन इस स्क्रू की गुत्थी को सुलझाएगा। करण समझ गया सर। फैन को उल्टा करो। सर यानी इसको उस फैन का है? हाँ श्रेया, किसी ने इस फैन के साथ छेड़खानी की है, अभी पता चल जाएगा। ओह माय गॉड, तो ये बात है, मतलब चाकू इसके अंदर था, इसके अंदर से इस मैकेनिज्म के जरिए चाकू सीलिंग से नीचे गिरा मीरा के पेट में और उसकी मौत हो गई। अब समझ में आया, ये कारण है जिस वजह से खूनी इस कमरे में नहीं था, उसकी जरूरत ही नहीं थी, उसका काम तो ये सीलिंग फैन कर रहा था। इसका मतलब जूही के कमरे में भी बिल्कुल ऐसा ही सीलिंग फैन होगा जिसके अंदर सेम मैकेनिज्म फिट होगा, वहां भी चाकू सीलिंग से गिरा और जूही की मौत हो गई। सर हो सकता है खूनी ने रिमोट कंट्रोल के जरिए इस चाकू को कंट्रोल किया हो सकता है, और सवाल यह है श्रेया कि खूनी को कैसे पता चला कि सही वक्त रिमोट बटन दबाने का कौन सा था? हां सर, क्योंकि ना तो हमें मीरा के कमरे से कोई कैमरा मिला, ना ही जूही के कमरे से, जिससे ये पता चले कि खूनी दोनों लड़कियों पर नजर रख रहा था। वो भी पता चल जाएगा इस सीलिंग फैन के चाकू के मैकेनिज्म के जरिए। क्या ये मीरा और जूही इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। मगर सर दूर दूर तक इन दोनों के बीच कोई संबंध नजर तो नहीं आ रहा। इन दोनों के उम्र में बहुत फर्क है, उनके रहन सहन, तौर तरीके, ये जूही का कॉलेज और मीरा के काम करने की जगह, आपस में कहीं भी कोई तालमेल नहीं है सर। सर हाँ सर, वो फैन और चाकू का मैकेनिज्म रेडी है, चलो देखते हैं।
पंकज रिमोट ऑन करो। मतलब जैसे ही रिमोट का बटन दब गया, इस फैन के मैकेनिज्म के अंदर जो इंफ्रारेड लाइट थी वो ऑन हो गई, लॉक खुल गया और उसकी वजह से ट्रिगर ऑन हो गया। ट्रिगर ऑन होने से इसके अंदर जो छुपा के रखा था चाकू वो सीधा नीचे गिर गया, सीधे उसके शरीर के अंदर जो फैन के नीचे सोया हुआ था। मगर दया एक बात है, ऐसे मैकेनिज्म की जो रिमोट होते हैं वो रिमोट ज्यादातर 50 मीटर की दूरी के अंदर ही काम कर सकते हैं, तो फिर जरूर जहां पर मीरा और जूही रहती थी उसके आसपास ही ये आदमी खड़ा था। जिसने भी ये किया है वो 50 मीटर की दूरी के अंदर ही खड़ा था, वहां से उसने रिमोट चलाया और खून कर दिया मीरा और जूही का। और फिर वो सपने, वो एक जैसे सपने जो मीरा और जूही दोनों की नींद में आते थे, ऐसे सपने तो जानबूझकर ही डाले जा सकते हैं, प्लान करके डाले जा सकते हैं, मगर उसके लिए जरूर कोई तो ट्रिगर होना चाहिए। सर, हाँ। जूही के कमरे में लगे पंखे में भी ठीक ऐसा ही मैकेनिज्म मिला है, और तो और जूही और मीरा दोनों के कमरों में एक हफ्ते पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कुछ काम हुआ था। जूही और मीरा दोनों के घर में, दोनों के कमरों में एक हफ्ते पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही इलेक्ट्रिशियन है जिसने दोनों के घरों में इलेक्ट्रिकल का काम कर दिया और फिर खून भी उसी ने किया? पता लगाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिशियन के बारे में। ना ही मीरा के मोबाइल पे कोई अलार्म था और ना ही जूही के मोबाइल, फिर दोनों को एक ही वक्त एक जैसे सपने कैसे आ सकते? इसका मतलब सपने ट्रिगर करने वाला मैकेनिज्म यहीं कहीं है। सर ये देखिए, इस पे अलार्म है लेकिन सुबह 6 बजे का। 6 बजे का? पर मीरा की मौत तो 3 बजे हुई थी, तो सपने शुरू करने का ट्रिगर लगभग 1 या 1.5 के बीच का होना चाहिए। यह भी तो हो सकता है कि किसी ने मीरा को सम्मोहित कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता फ्रेडी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मीरा के दिन भर का हाव भाव चाल चलन सब प्रभावित होता, पर ऐसा नहीं हुआ। नहीं, कुछ है यहाँ जो हम अभी तक देख नहीं पा रहे। ढूंढो, यही है। ये देखो टीवी के पीछे ये बॉक्स लगा हुआ था। बॉक्स? कहीं ये ट्रिगर मैकेनिज्म इस बक्से के अंदर तो नहीं फिक्स किया हुआ है? अरे अलार्म बंद करो, ये आवाज मेरे कान के पर्दे फटा ली। सर कौन सी आवाज, यहाँ कोई अलार्म नहीं बज रहा है। अरे इतने जोर से बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ बज तो रहा है लेकिन बहुत धीमी आवाज में। बंद करो। बंद हो। थैंक यू, इतना भद्दा अलार्म मैंने जिंदगी में नहीं सुना। सोने वाला उठेगा नहीं, हार्ट अटैक से सीधे ऊपर चला जाएगा। मगर सर अलार्म की आवाज सिर्फ आपको कैसे सुनाई दी? हो सकता है श्रेया, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी अलार्म है। श्रेया ये सिर्फ उन लोगों को सुनाई देता है जिनकी साउंड टॉलरेंस और सुनने की शक्ति इसकी ध्वनि से मेल खाती हो। यानी फ्रेडी सर की तरह जूही और मीरा भी इस अलार्म की आवाज को सुन सकती थी? वो ये बात नहीं जानता था। उसने इस ध्वनि का इस्तेमाल सिर्फ उनके दिमाग को कंडीशन करने के लिए किया, ट्यून करने के लिए, ताकि उन्हें वो डरावने सपने दिखा सके। लेकिन डरावने सपनों का कोई संबंध ही नहीं था इस मौत से। अगर वो चाहता तो बिना सपनों के भी मार सकता था उन्हें। मार सकता था, पर शायद वो ऐसा चाहता नहीं था। खूनी अपने शिकार के साथ खेलना चाहता था, तड़पाना चाहता था, फिर उनकी नींद में उन्हें एक गहरी मौत देना चाहता था। इंटरेस्टिंग। करण सर, कल की उबला के लाइए। गो। ये देखो। अरे
आइए। कल्कि जी। जी। इस आवाज को पहचानती हैं आप? ये आवाज मैंने यही सुनी है मीरा के घर पे। कब? करीब 3-4 दिन पहले, जब वो अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी तब। आपको मीरा के लैपटॉप का पासवर्ड पता है? नहीं सर। हमें कंप्यूटर एक्सपर्ट से इसका पासवर्ड ब्रेक कराना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सारे सवालों के जवाब इसी लैपटॉप के अंदर है, इसके अंदर। भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से क्या हुआ साहब? हमें पता लगा है कि पिछले हफ्ते आपका एक इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करने के लिए इस एड्रेस पे गया। हाँ साहब, गया तो था, पर हुआ क्या? इन दोनों जगहों पे एक एक खून हुए और हमें शक है कि ये खून आपके इलेक्ट्रिशियन ने किया है। मेरे इलेक्ट्रिशियन? हाँ, और वो भी पंखे में चाकू फिट करके। अरे बाप रे, पंखे में चाकू? जी हाँ। और आप ये बताइए कि इन दोनों जगहों पे आपका कौन सा इलेक्ट्रिशियन गया था? मंगेश गया था सर, पर आज वो आया नहीं। इस मंगेश का एड्रेस तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, मंगेश का एड्रेस लेके ना सर। वो लैपटॉप का और ईमेल का पासवर्ड खुल गया। वेरी गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। काबिन, जरा लैपटॉप चेक कर। जी। देखो, वो ऑडियो फाइल है क्या इसमें जिससे सपने आते थे उसे? सर, इस कंप्यूटर में कोई ऑडियो फाइल नहीं है। हाँ, लेकिन मीरा के ईमेल अकाउंट में एक वीडियो फाइल दिख रही है। वीडियो फाइल? खोलो खोलो इसे जरा। सब ये सारे विजुअल तो मैंने जूही की स्केचबुक में देखे, स्पेशली ये नाला, ये बोर्ड और मास्क पहना हुआ आदमी, तीनों। इसका मतलब खूनी ने जूही और मीरा दोनों को चेतावनी भेजी थी। उन लोगों को हमारे पास आना चाहिए था मदद मांगने। जरा ये फाइल फिर से चलाना। बॉस बॉस बॉस, बंजारा रोड जो शहर के पश्चिमी हिस्से में है ना? यस सर। मतलब जो कुछ हुआ है बंजारा रोड पे ही हुआ है क्या? ठीक है, ओके। सर, उस इलेक्ट्रिशियन मंगेश का जो पता मिला था वो नकली है सर। कोई बात नहीं, स्केच बनवाओ उसका और अपने डेटाबेस में चेक करो। बंजारा रोड वहां जाके देखना पड़ेगा। सब लोग बाहर, ध्यान रखना। आराम से पंकज, आराम से। एक मिनट एक मिनट, यह है ना एक सूखा नाला। सूखा नाला है और वो रहा पेड़। सूखा नाला और उसमें वो पेड़। जरा आगे चलकर देखते हैं। एक 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 मिनट पंकज, एक मिनट। बंजारा रोड मतलब हम सही रास्ते पे हैं। सर सर, वो देखिए, वो पुराना घर जो हमें वीडियो में दिखा था। चलो आगे देखते हैं। अगर खूनी इस जगह का वीडियो बना के मीरा और जूही को भेज क्यों रहा था? शायद उन दोनों को अपने अतीत का याद दिलाने के लिए। अगर सर, मैंने पता किया सर, इस बंजारा रोड पे आज तक एक क्राइम नहीं हुआ है, यहाँ तक कि पुलिस ने एक चालान तक नहीं काटा है। सर, वो रही बिल्डिंग। हाँ, वो क्या, रॉयल मून होटल, ले लो ना। हाँ, इलेक्ट्रिशियन का स्केच मैच नहीं हो रहा है।
तो कोई बात नहीं, ठीक है। वेलकम सर, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं। दरअसल एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। सीआईडी? बाबू पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? वैसे जरा बताइए, कुछ दिन पहले क्या आपके होटल के बाहर कोई किसी तरह की वीडियो शूटिंग कर रहा था? शूटिंग नहीं सर, हमारी होटल के बाहर शूटिंग या फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। ये दो फोटोग्राफ दो लड़कियों के, एक का नाम मीरा है, एक का नाम जूही है। क्या ये लड़कियां आपके यहाँ कभी ठहरी थी, कभी आई थी? सर हमारे यहाँ रोज बहुत सारे कस्टमर आते हैं, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आपके रिकॉर्ड में हो कुछ इनके बारे में। देखिए हल्का जरा रिकॉर्ड चेक करना सर। हाँ सर, ये दोनों गेस्ट हमारे होटल पे रुके थे पिछले साल 17 मई 2013। 17 मई 2013, मतलब एक साल पहले। तो क्या एक साथ आई थी या अलग अलग? नहीं, अलग अलग। सर इन दोनों के पास शहर में रहने के लिए जगह है, एक घर में रहती है और एक हॉस्टल में रहती है, फिर ये दोनों यहाँ किस लिए आई थी? कोई तो वजह होगी ना पंकज, कोई तो वजह होगी। क्या आपका रिकॉर्ड देख सकता हूँ 17 मई 2013 का? श्योर सर। 17 मई 2013, काफी सारी लड़कियां आई थी उस दिन आपके होटल में, कोई फंक्शन वगैरह था क्या? हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि हमारे होटल के पास में एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ आए दिनों फंक्शंस होते रहते हैं। अच्छा, कस्टमर का नाम रवि, 5 टैक्सीज बुक की थी उसने, 5? हाँ सर, ये एक नारी सेवा केंद्र चलाते है, मुस्कुराहट नाम है एनजीओ का, और वो अभी भी इसी होटल में ठहरा हुआ है। सर रवि इस वक्त आपके होटल में ठहरे हैं? पास वाले कम्युनिटी हॉल में जो फंक्शन चल रहा है, रवि का ही एनजीओ का फंक्शन हो सकता है? रवि सर, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, आप सोच नहीं सकते, ड्रग्स के नशे से मुक्ति मिलने के बाद मैं जिंदगी के ऐसे ऐसे रंग देख रहा हूं जिन्हें ड्रग्स के नशे ने अंधकार में डाल दिया था। वेरी गुड मिश्रा, लेकिन इसमें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारे धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति का कमाल है। हाँ, लेकिन अब उस सफेद जहर को कभी पलट कर भी देखना मत। हाँ ओके सर। माफ कीजिएगा रवि जी, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही पुण्य का काम करते हैं, हमारे देश के नौजवानों को ड्रग्स में से बाहर निकाल कर। सर आप एसीपी प्रद्युमन है ना सर? जी हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन। सर हमने बहुत किस्से पढ़े हैं सर आपके बारे में, और तभी से आपसे मिलना चाहता था सर, लेकिन अब आप सर बैठे क्यों हैं सर? प्लीज। नहीं, नहीं। सर क्या लेंगे सर आप, चाय कॉफी कुछ? एक ठंडा लेमन आइस टी। जी ठंडा लेमन आइस टी तो नहीं मिलेगी, साधारण चाय चलेगी। रवि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। बस एक जरूरी काम है आपके पास, दो लड़कियों के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। अब कौन सी दो लड़कियां सर? ये जूही और ये मीरा, क्या आप बता सकते हैं कि पिछले साल ये दोनों आपके इस एनजीओ में आई थी? जूही और मीरा? हाँ सर, ये सर आई थी दोनों यहाँ पर। एक्चुअली सर इन्हें भी ड्रग्स के नशे की बुरी लत पड़ गई थी सर, इसलिए ये दोनों आई थी यहाँ हमारा सेमिनार अटेंड करने के लिए। लेकिन सर इस बात को तो करीब 1 साल हो गया है, अब इनके बारे में पूछताछ। इन दोनों लड़कियों का खून हुआ है। क्या खून हो गया? लेकिन सर कैसे, किसने किया सर? बस वही पता लगाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपको इन दोनों के बारे में कोई खास बात मालूम हो, कोई यादें हो आपके पास इनके बारे में, तो मदद हो जाएगी हमारी तहकीकात करने में। कोई खास बात इस वक्त तो याद? हाँ सर याद आया सर, एक लड़की थी मोनिका, इन दोनों को उसकी चिंता बहुत सताती रहती थी सर। मोनिका? जी। क्या वो भी यहाँ आपके ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में आई थी? आई तो थी सर यहाँ पर, लेकिन वो ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत नहीं पाई सर। दरअसल सर 1 साल पहले अपनी बिल्डिंग की छत से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली थी सर ड्रग के नशे में। मोनिका ने आत्महत्या कर ली? जी सर। उसका पता तो होगा ना आपके पास? जी सर, मोनिका का एक ही सगा भाई है अमित, मोनिका की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद उसी के नाम हो गई। तो क्या मोनिका के भाई ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी बहन का खून किया? ये भी तो हो सकता है कि मोनिका ने आत्महत्या की हो। मैंने कहा ना काम हो जाएगा। जी कहिए। आपका नाम अमित है? जी।
जी हाँ, मगर आप लोग सीआईडी मोनिका के बारे में कुछ सवाल करने थे आपसे। ओ, एक साल हो गया मेरी बहन को मरे, लेकिन अब भी कोई ना कोई आकर मेरे पुराने जख्म को रेता रहता है। पूछिए, क्या पूछना है आपको? देखिए अमित जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं, मगर क्या करें, दो दो खून हुए, इसलिए आपकी बहन के बारे में कुछ सवाल करने आए हम लोग। दो दो खून, मगर किसके? जूही और मीरा का। ये दोनों आपकी बहन मोनिका के दोस्त थे ना? हाँ, बदकिस्मती से ये मेरी बहन के दोस्त। बदकिस्मती से क्यों? वैसे तो मीरा और जूही तुम्हारी बहन की बहुत फिक्र करते थे। अगर सच में उन्हें मेरी बहन की फिक्र होती तो वो फिर से उसे ड्रग्स की खाई में ना धकेलते। क्या वो दोनों फिर से मोनिका को ड्रग्स की लत लगाना चाहते थे? हालांकि वो दोनों खुद ड्रग्स से छुटकारा पाना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि वो आदत से छुटकारा पाने आए थे या तुम्हारा ड्रग एडिक्ट्स को बढ़ावा देने, लेकिन इस काम में एक और भी था उनके साथ। हाँ, विशाल। विशाल? ये विशाल कौन? विशाल जूही और मीरा को ड्रग्स देता था और ये बात मोनिका जान गई थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मोनिका को उनका राज पता है तो उन्होंने उसे फंसाने के लिए उसके बैग में ड्रग्स डाल दी। वो पकड़ी गई, उसके ऊपर पुलिस केस भी हुआ। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। सर, कोई तो है जो मोनिका की मौत का बदला ले रहा है। जूही और मीरा पहले ही मर चुकी हैं, अब अगला नंबर शायद विशाल का। अमित, कल रात तुम कहाँ थे? आप मुझ पे शक कर रहे? क्या करें, शक करने की आदत जो है हमें। और फिर तुम तो अपनी बहन के सबसे करीबी हो ना। मुझसे ज्यादा करीबी तो उसका मंगेतर था, रणविजय। दोनों ने जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कसमें खा रखी थी। रणविजय? ये रणविजय यही है ना? हाँ, यही तो है वो। लेकिन रणविजय का स्केच आपके पास कैसे? हो सकता है मीरा, जूही और मोनिका की मौत का राज रणविजय जानता हो। थैंक यू रणविजय। सब हो रहा विशाल का घर, विशाल की जान को खतरा हो सकता है। सर, लगता है रणविजय पहले ही पहुंच चुका है। विशाल ठीक तो ना? सर, जान बचा के भागू। सर, रणविजय कहाँ? सर, ना तो कोई भी नहीं है सर, शायद यहां से भागा होगा। रणविजय, कोई मत हिलना। सर, इसको मारूंगा नहीं तो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। देखिए, वैसे तो मुझे सीआईडी वालों से काफी लगाव है, पर अगर सीआईडी ने मेरे साथ कोई होशियारी की ना तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। चाकू नीचे फेंक दो। फेंक दो चाकू। डरो मत, कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे इस मोटू ऑफिसर को। ए, मोटू मत बोल, टाइटिंग कर रहा हूं आजकल। देखो, मुझे अपना काम करने दो। बेवकूफी मत करो, नहीं बच पाओगे तुम। अरे बचना किसको है, एक बार मैं इस विशाल को मार दूं चले मुझे फांसी हो जाए, फिर मुझे मंजूर है। देखो रणविजय, ये सब करने से क्या मोनिका वापस आएगी? भले ही वापस ना, लेकिन मेरे बदले की आंख तो पूरी होगी। इन तीनों ने रातों की नींद उड़ा दी थी मोनिका की, इसलिए मैं भी इनके साथ वही कर रहा हूं। इन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। देखो रणविजय, मोनिका के साथ जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, इन तीनों की वजह से बेचारी को जेल जाना पड़ा, बदनामी हुई। नहीं, रात रात भर सो नहीं पाती थी वो, बुरे बुरे सपने देखकर जाग जाती थी। ये विशाल ने मोनिका का बंजारा रोड पे पीछा किया था उसे मार डालने के लिए, इसलिए मैंने भी इन्हें पहले बुरे बुरे सपने दिखाए और अब मैं इन्हें मौत की नींद सुला रहा हूँ। रणविजय, ये तुम क्या करने जा रहे हो? विशाल को उसके किए की सजा कानून देगा। अरे कानून का क्या, क्या प्यार तो मैंने अपना खोया है ना। रणविजय, विशाल को तो उसके किए की सजा मिलेगी ही मिलेगी, मगर तुमने बदले की आग में दो दो खून किए, दो दो, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।